खैरथल के कुमपुर में शराब ठेके के सेल्समैन की जलकर हुई मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अभी एफएसएल रिपोर्ट आने का इंतजार कर रही है। इस मामले में परिजनों ने शराब ठेके के संचालकों के खिलाफ कमल किशोर की जलाकर हत्या किए जाने का मामला भी दर्ज कराया था। पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है। एसपी राममूर्ति जोशी ने खैरथल थाने पहुंचकर पूरे मामले पर चर्चा की। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि शराब ठेके के सेल्समैन कमल की जलकर हुई मौत के मामले में जांच सही दिशा में चल रही है, अभी एसएल रिपोर्ट आना बाकी है, अनुसंधान चल रहा है। दरअसल खैरथल थाना अंतर्गत कुमपुर में कंटेनर में चल रहे शराब के ठेके में आग लगने से अंदर सो रहे सेल्समैन कमल किशोर की जलकर मौत हो गई थी। इस मामले में परिजनों ने ठेका संचालक राकेश व सुभाष के खिलाफ कमल को दुकान में अंदर बंद कर और आग लगाकर जिंदा जलाए जाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने की बजाय परिजनों से काउंसलिंग करने के आरोप लगे थे। आरोप लग रहे हैं कि पुलिस आरोपियों को बुलाकर सख्ती से पूछताछ करने के बजाय परिजनों को समझाने में लगी है कि यह एक दुर्घटना है। हमारा गहनता से अनुसंधान स्थानीय वृत्ताधिकारी ताराचंद जी द्वारा किया जा रहा है और अनुसंधान बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है। जल्दी ही एफएसएल की रिपोर्ट भी आ जाएगी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कल शाम को आ गई है और गवाहों के बहुत महत्वपूर्ण गवाहों के हमने बयान लिख लिए हैं, तो अच्छी प्रोग्रेस की है। उस पत्रावली की भी और उस पर उपलब्ध साक्ष्यों की भी मैंने समीक्षा की है और जल्दी ही हम इस मामले में जो है निष्कर्ष पे पहुँचेंगे।